मेरी YouTube फैमिली में आप सबका स्वागत है। मानस आज शुरू किए हैं ब्लॉगिंग करना। मेरे बेटे का फर्स्ट ब्लॉग है ना, आज यही टाइटल थंबनेल लगेगा, मेरे बेटे का फर्स्ट ब्लॉग। और आज ब्लॉगिंग मेरा बेटा शुरू किया है। क्यों? अभी पुत्तू मेरे हो गए हैं रेडी और बस निकलने वाले हैं, ये थोड़ा बहुत और चाय भी पी लिए और बस अभी निकलने वाले हैं, बहन आने वाली है। बर्ड मैनर से ऐसा नहीं किया जाता है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। और अभी मैं आज मेरा पूजा वूजा हो गया है लेकिन नींद आ रहा है फिर भी। और सुबह सुबह सोने का, ठंडा ठंडा मौसम है ना तो सोने का बहुत मन करता है, लेकिन आज पुत्तू मेरे ना मुझसे पहले उठ गए थे ना। पहले उठ के ना मैसेज चेक किए हैं कि मम्मी देखो छुट्टी का मैसेज तो नहीं आया, सोचो पहले उठाए, पहले फ़ोन चेक किए हैं, मम्मी देखो पहले एक मैसेज आया था तो पेपर का, तो बोल रहे हैं नहीं मम्मी लग रहा है छुट्टी का मैसेज आया है। आप समय से ब्लॉग में बने रहिएगा, बने रहिएगा। अभी बाहर लेके ना जाओ, बैग भारी बहुत है, बहन आने दो तब जाओ। एक उंगली से उठा लेंगे, एक उंगली से बैग उठता है नहीं, टाइम नहीं आएगा। देख लो आपकी मेहनत खराब हो गई। ये छुट्टी हो जाए तो ये पतली कमरिया तेरी छी नजरिया मोरी, हाय 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 पतली कमरिया मोरी, हाय 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 कर रहे हैं, हाय हाय हाय। तो बस यहाँ मैं आ गई थी रूम में, तो अभी मैं मतलब पानी गिर गया था मेरे ऊपर ना, तो मुझे चेंज भी करना पड़ा पूरा कपड़ा, तो बस पूरे मतलब चेंज भी कर लिए थे। अभी मैं किचन में नहीं घुसी हूँ, जब से बच्चों को लंच बना के आई हूँ नहीं गई हूँ। पहले यहाँ पूरा सामान निकाल लेंगे, जो भी मतलब पूजा का सामान है, जितने डिब्बे हैं ना पूरा डिब्बा खाली करके मतलब और धुलना है, क्योंकि परसों से है नवरात्रि शुरू, तो जब पहले से ही काम शुरू कर दो ना तो ठीक भी रहता है। तो मंदिर मैं कल साफ़ करूँगी, क्योंकि कल पितरपक्ष ख़त्म होगा, उसके बाद में ही अच्छे से क्लीन होगा। और यहाँ बस पूरे डिब्बे, तो डिब्बे मेरे यहाँ समझ लो बहुत ज़्यादा ही हैं पूजा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ना सामान ज़्यादा है, कि मतलब पूजा का भी बहुत सारा सामान होता है जो कि एसबी को पता है, मतलब वहाँ हवन भी होता है, तो ये सब मतलब जो जो सामान लगता है पूरा रहता है ना, तो वो सब पूरे डिब्बे अच्छे से क्लीन होगा। और तीन जन साथ बैठ के पूजा करते हैं ना तो थोड़ा सामान भी ज़्यादा रहता है, तो बस यहाँ जो भी बुक्स हैं ये सब अच्छे से मतलब पहुँच के मैं रख दूँगी, तो बस यहाँ पूरे अच्छे से सेट कर देंगे। जो भी ये टोकरी है ये भी मैं धुल लूँगी, वैसे मैं धुली थी भी जल्दी में ही, लेकिन साफ़ ही है, लेकिन चलो धुल रहे हैं तो साथ साथ सब कुछ धुल लें। और बस ये भी अच्छे से धुल के, और बस अभी मैं मतलब इकट्ठा करके रख के आ गई हूँ मतलब, और अभी धुले नहीं हैं। और किचन से निकल गए थे बच्चों का लंच रेडी करके, देख सकते हो किचन की हालात कैसी है, थोड़ा सा दूध भी गिर गया था, तो जल्दी जल्दी में करूँ ना तो हो जाता है, और मतलब टाइमिंग मतलब उठते भी जल्दी हैं लेकिन टाइम इतना जल्दी बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। और बस यहाँ अच्छे से मैं इसे क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं फिर खाना बनाना शुरू करूँगी। तो अभी चाय वाय सभी लोग पी लिए थे, तो उसके बाद मैं आई हूँ। तो बस यहाँ फटाफट से मैं कट करूँगी टमाटर, जो कि मैं पहले से ही छोले बना के बच्चों को दी थी, तो काबली चना और आलू ये दोनों मतलब पहले से उबाल लिए थे, तो वही बच्चों को बना के दे दिए हैं, और वही मैं साथ साथ बना भी लूँगी। पहले से ही दिमाग लगा था क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा होता ना थोड़ा थोड़ा करके काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मैं क्लिप भी नहीं ले पाई हूँ क्योंकि वर्क ज़्यादा था, तो बस जगह जगह ट्राईपॉड लगाना, मेरा वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं, तो बस नहीं ले पाए मैं क्लिप, मतलब क्लिप नहीं ले पाई हूँ मैं, नहीं तो बस काम बहुत ज़्यादा था। और यहाँ बस टमाटर थोड़ा
थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद में मैं इसमें छोले डाल दूँगी। और छोले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैं दोबारा से चाय की चुस्की लेने लगी थी, जो कि आदत है कि यहाँ खाना बनाते रहो थोड़ा थोड़ा पी लो, बस थोड़ा सा पी लेंगे। ऐसा होता है, मतलब किन किन लोगों के साथ होता है कि खाना बनाते रहते हैं चाय पीते रहते हैं। तो यहाँ हम आटा मतलब ऑलरेडी पहले से ही गुथ के रख लिए थे, तो रोटी मैं बनाऊंगी लास्ट में। एक साइड मैं बना रही हूँ चावल, एक साइड बना रही हूँ मैं छोले। और ये सब करने के बाद अभी मैं चलूँगी अपने ड्यूटी पे लगूँगी, क्योंकि अभी जो डिब्बे रखे हैं बहुत ज़्यादा हैं। अभी धुलेंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को कि सच में बहुत ज़्यादा हैं। और मतलब से तेल उल लगा रहता है ना, जो भी पूजा का सामान रहता है, तो वो सब डिब्बे धुलने में टाइम भी लगते हैं। तो यहाँ छोले बन के हो गए थे रेडी। मैं इसमें डाल दिए थे थोड़ा सा पनीर मसाला डाल के, खाली कर लिए थे। अभी किचन मेरा भी अच्छे से क्लीन हो गया है और बर्तन मैं क्लीन करके ले आई हूँ। अभी बस फटाफट से मैं करूँगी सेट। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। वैसे अच्छे से ब्लॉगिंग हो नहीं पाती है, लेकिन जैसे भी करती हूँ ना, आप सब प्लीज़ फुल वॉच करिए। और यहाँ हम और मम्मी दोनों जन लगे थे, तो यहाँ देख सकते हो डिब्बे, जो कि आधा मम्मी जो मतलब भैया वाले रूम का है ना, वो अभी रूम में रख के आ गई हैं। ये सब बस यहाँ जहाँ हम लोग पूजा करते हैं, इतने सारे डिब्बे हैं यहाँ। एक जो मसाला रखते हैं वो छोड़ के, और पूरे डिब्बे पूजा के ही हैं। तो बस ये सूख गया था, तो इसे मैं लेकर लाला मेरे लेट गए करने के लिए। उनका पानी और जो भी खाने वाला है सब ढक के रख दिए हैं। और यहाँ मंदिर की हो गई है सफाई, बस मंदिर ऊपर साफ करना है। जो भी बुक डिब्बे सब थे, सब कुछ अच्छे से पोंछ पाँछ के अच्छे से धुल दिए डिब्बे पे। सिर्फ मंदिर साफ करना है, जो कि होगा कल, क्योंकि कल पितर पक्ष ख़त्म होगा, तो कल होगी सफाई मंदिर की, तो कल अच्छे से होगा। तो परसों से है नवरात्रि शुरू, मैया आने वाली हैं। तो अभी लगभग बज रहे होंगे एक, अभी जस्ट मैं खाना खा के आई हूँ, इतना ज़्यादा लेट हो गया है। जो कि थोड़ा आज की है, थोड़ा करेंगे कल, क्योंकि नवरात्र रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत सारी सफाई रहती है। तो समझ लो आज से नवरात्रि की सफाई हो गई है शुरू, कल तक होगा ख़त्म, क्योंकि परसों तो मैया आ ही जाएंगी। तो अभी सिर्फ मंदिर नहीं क्लीन किए हैं, क्योंकि पितर पक्ष कल ख़त्म होगा, तो कल क्लीन होगा। कल जब पितृ विसर्जन हो जाएगा, तब उसके बाद में फिर मंदिर मतलब अच्छे से क्लीन होगा। तो अभी पूरा जो भी मतलब डिब्बे में बहुत सारा सामान रखा जाता है, धूपबत्ती मतलब और फूलबत्ती, ये सब पूरा जो भी है, और भोग लगाने के लिए जितने सामान रखते हैं, पूरा अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दिए हैं पूरे डिब्बे। सिर्फ सामान रखना है, क्योंकि आज सामान भी आ जाएगा पूजा का, क्योंकि वैसे सामान तो रहता है हमेशा, लेकिन मंथ पूरा हो गया है मेरे यहाँ, मंथली आता है सामान, तो बस मंथ पूरा भी हो गया है। तो बस आज पूरा सामान आ जाएगा, और शाम तक या तो मतलब पूरा सामान भर देंगे, पूरा पूजा का सामान सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए, ताकि परसों कलसा जब रखें ना, तो मतलब फिर खाली करो, फिर रखो, फिर खाली करो, कोई सामान ढूंढो। इससे अच्छा है पूरा जो खाली रहता है डिब्बे में, उठाते करते रहो आराम से। कलसा रखते तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो परसों में ही आएंगे, परसों होगा पूजा। तो मैं ब्लॉग को करती हूँ रीड, और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ब्लॉग बहुत छोटू सा है, तो आप लोग प्लीज़ फॉलो करिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करिए।